छोटे बच्चों के लिए एक प्यारा सा डॉगी भी है यहाँ बैठा हुआ जो कि हमारी तरफ ही देख रहा है तब से जब से हम आए। खाते जाओ गपड़ गपड़ हमको भी दो। हेलो दिस इज आशिता। हाय दिस इज वरुणी एंड वी वेलकम यू टू वर्षिता देसी लाइफ अब्रॉड। तो आज हमारे कुछ पार्सल्स आने वाले थे एंड सिंस हम दोनों घर पे नहीं थे तो उन्होंने पैकेट हाउस को दे दिया हमारा पार्सल। तो हम जा रहे हैं अभी पैकेट शॉप हमारा पार्सल कलेक्ट करने के लिए। चलो कम मजा एंड इसके साथ आप नज़ारे भी एंजॉय कर सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए so, आज का वेदर बहुत अच्छा है और तो हम एक पार्क आए हैं। पार्क नहीं एक छोटा सा कासल है। कासल है ये हमारे घर से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो हाँ हम आकर बस ये पार्क पे बैठकर चिल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बियर की बोतल लेकर बैठे हुए आपको दिखाते हैं। हमारे हैं गेम्स खेल रहे हैं बॉल के साथ खेल रहे हैं। एक प्यारा सा डॉगी भी है यहाँ बैठा हुआ जो कि हमारी तरफ ही देख रहा है तब से जब से हम आए तब से देख रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा फ्रंट कैसे दिखता है। धीरे धीरे बारिश के बादल भी आ रहे हैं जस्ट बिकॉज कल सैटरडे है। बारिश गिरी क्या? बारिश अरे ड्रॉप गिरा मेरे पे। ये भगवान मेरे सर पे गिरा। मैंने कहा था ना सैटरडे संडे आते ही बारिश स्टार्ट हो जाती है। वरुणी का नाम रख दो पनौती। कुछ भी आखिर का नाम रख दो। नहीं आखिर बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। बारिश होती रहती है बट इट्स ओके बहुत अच्छा है। So we are having this spaghetti ice. Spaghetti ice is a very German concept. Spaghetti ice इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बिल्कुल नीचे में ये लोग थोड़ा सा whipped cream डालते हैं उसके ऊपर vanilla ice cream डालते हैं। Vanilla ice cream ये लोग एक strainer के through pass कराते हैं जिससे इसे एक spaghetti का shape मिलता है। इसको ऊपर से फिर strawberry syrup से cover किया जाता है थोड़ा सा ज़्यादा नहीं।
जो कि बोलोग्नेज़ को रिप्रेजेंट करता है, विच इज़ अ टाइप ऑफ सॉस, वेरी पॉपुलर पास्ता सॉस, और ऊपर से थोड़ा सा वाइट चॉकलेट जो कि टोटली देखने में एक पार्मेजान चीज़ जैसा लगता है. सो इन द एंड यू हैव लाइक स्पेगेटी बोलोग्नेज़ बट मेड ऑफ आइसक्रीम एंड स्ट्रॉबेरी एंड वाइट चॉकलेट, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है. एंड द बेस्ट पार्ट इज द क्रीम जो कि नीचे है, वो क्रीम आइस इतना ठंडा है कि वो क्रीम ना उसके वजह से पूरा पर जम गया है, जम जाता है, और वो खाने में फिर जो गजब लगता है मत पूछिए. तो हम ट्राई करते हैं पहला बाइट, आपको ट्राई करना है, अनफॉर्चुनेटली मैं ही कर लेता हूँ. ब्रेन फ्रीज. लेकिन टेस्ट तो जो का चल रहा है. फाइन, फिर मैं खा लेती हूँ, अब तो ब्रेन फ्रीज हो रहा है. तो मुझे भी खाना था, ब्रेन फ्रीज हो जाए चलता है. इट्स ओके, कोई बात नहीं. बहुत ही ज़्यादा अच्छा. आप देख सकते हो ये जो वेनिला आइसक्रीम है, इसमें वेनिला बीन्स के थोड़े थोड़े ट्रेसेस हैं. तो यहाँ का जो वेनिला आइसक्रीम है ये लाइक नेचुरल वेनिला से बनता है एंड नॉट फ्रॉम वेनिला एक्सट्रैक्ट. सो यहाँ के जो आपने इंडिया में आजकल बहुत सारे नेचुरल फ्लेवर्स आइसक्रीम खाया होगा, ये बिल्कुल उसकी तरह लगता है. Not at all like fake vanilla. Exactly. खाते जाओ गपड़ गपड़, हमको भी दो. भाई हमने जब आइसक्रीम खाया, वेदर धूप निकली. फाइनली धूप निकल गया एंड यू वोंट बिलीव, बीच में ओले पड़े थे एंड वेदर बहुत ही वियर्ड हो गया था, बट थैंकफुली अचानक से सूर्य भगवान की कृपा बरसी एंड वापस से सनी हो गया वेदर. सो या हमें ये बहुत ही अच्छा लोकेशन दिखा जो कि चेरी ब्लॉसम के पेड़ों से भरा हुआ है. हम लोग हर साल बॉन जाते हैं क्योंकि वहाँ पे एक स्ट्रीट है जो कि चेरी ब्लॉसम्स, बहुत सारे चेरी ब्लॉसम के पेड़ हैं उस स्ट्रीट के दोनों साइड, पर इस बार हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ पे 2020 एंड 2021 लॉकडाउन, वो क्योंकि वो रेसिडेंशियल एरिया है, वहाँ पे इतने ज़्यादा टूरिस्ट एट अ टाइम जाना थोड़ा कंस्ट्रिक्टेड था. तो इस बार सिंस लाइक कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं था, तो मुझे लग रहा है ऑल ओवर जर्मनी और आई वुड से ऑल ओवर यूरोप से लोग, इतने ज़्यादा लोग आए हुए थे वहाँ पर कि इट वॉज लाइक सो कॉम्पैक्ट. एंड सो जो मेरे फ्रेंड्स भी वहाँ पे गए थे, इट वॉज लाइक कि घूमने को घूम सकते हो बट फोटोशूट के लिए अच्छा नहीं है. तो हमने स्किप कर दिया. हमने फोटो देखा था, बहुत ही ज्यादा भीड़, एकदम कच वाली भीड़, तो हमने कहा इस बार छोड़ो. पर हमें लकीली एज आई सेड यहाँ पे मस्त वाला बहुत ही सुंदर चेरी ब्लॉसम पेड़ एक मिला है और हम यहीं पे कुछ कुछ फोटो उठा लेंगे. बॉन अगले साल देखा जाएगा. तो क्योंकि बीच में बारिश हो रही थी तो हम लोग सुपर मार्केट घुस गए, बोला कि कुछ खरीद लेते हैं रात के डिनर के लिए. तो हमने खरीदा है पिज्ज़ा के लिए सामान क्योंकि आज हम दोनों को बहुत ही ज़्यादा चीज़ी कुछ खाने का मन था. तो हमने थोड़ा सा चीज़ ले लिया है, पिज़्ज़ा बेस बनाने की हिम्मत नहीं है आज, तो हमने भी पिज़्ज़ा बेस भी ले लिया है और उसमें कुछ कुछ डाल के अपन बनाएंगे एक मस्त वाला चीज़, सॉरी पिज़्ज़ा. और फिर घपड़ घपड़ खा लेंगे. चलो जल्दी, भूख लग रही है. वर्णी तभी क्या बन रहा
आज बन रहा है पिज्जा फाइनली तो हमने अभी पिज्जा में ऑलरेडी हॉलैंडेज सॉस डाल दिया है। हॉलैंडेज से क्यों डाला है? वो टोमेटो केचप क्यों डाला? टोमेटो केचप अच्छा लगता है, नहीं केचप तो नहीं रहता है वो, अरबाटिया सॉस रहता है, बट सॉरी फॉर प्रोनाउंसिंग रॉन्ग। लेकिन हमें वो टोमेटो वाला हमें पसंद। किसे नहीं पसंद? पूरे किसे नहीं पसंद? तुमको नहीं पसंद? बहुत सही। मैंने सलामी का क्वांटिटी थोड़ा मैं इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ओके सो जब मीन वाइल मैं हेलोमी चीज़ से खा रही थी उस वक्त वर्नी ने बीच का सारा फूड डाल दिया। अभी वर्नी डाल रहे हैं पिज़्ज़ा चीज़, इट्स पिज़्ज़ा चीज़ बहुत सारी। मैंने पिज़्ज़ा बेस का साइज़ थोड़ा कम रखा था। क्या पिज़्ज़ा बेस का साइज़? मुझे लगा था इतना बड़ा नहीं होगा, ये तो बहुत बड़ा है। थोड़ा ज़्यादा चीज़ अच्छा लगता है। मेरे को मोटे बेस से ज़्यादा ये छोटा पतला वाला बेस अच्छा लगता है। मुझे कुछ भी चलता है बट जो जल्दी मिलता है वो अच्छा लगता है। तो पतला बेस जल्दी मिलेगा। देखिए जल्दी 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 वाला ये पिज़्ज़ा कितने लोगों के लिए बन रहा है? फिलहाल तो हम दोनों ही खाएंगे। लोगों के एपेटाइट पे डिपेंड करता है, जैसे मैं तो अकेले ये पिज़्ज़ा खा लूंगी। परफेक्ट ये तो हम पूरा खा ही जाएंगे शायद।